हाँ तो गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल, आप सभी लोग का मेरा स्वागत है इस नए वीडियो ब्लॉग में। और आपको आज दिखाने वाले हैं जो आज का सीन है, मैं इस समय उपस्थित हूँ जो है राजकीय तुलसी उद्यान में। आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ की समय सारणी है, आप देख लीजिए 8 से 12, 1 से 5, 7 से 12, 3 से 6 बजे के बीच में होता है, बाकी इसका गेट है, आप लोग देख रहे हैं। और आपको मैं पूरा वीडियो यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये देखिए तुलसी उद्यान कितना ही अच्छा दृश्य है। यहाँ पर इसके बगल आपको मिल जाएगी, अगर नाश्ता चाय कुछ भी करना है तो यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद एक यहाँ पर भी मिल जाते हैं। और आप लोग देख लीजिए उत्तर प्रदेश पर्यटन की जो भी हैं, तो हनुमानगढ़ी, कनक भवन और फिर जैन मंदिर, फिर राम की पैड़ी, नया घाट, परिक्रमा मार्ग, त्रेणी पुलिया, कटरा, फिर राजकीय तुलसी उद्यान अयोध्या के संपन्न में। इसमें देखिए तुलसी उद्यान, राम नाम मन दीप धरु, जय धर द्वार तुलसी भीतर वाही रेहु, जो चाहस उजियार। कितना अच्छा लिखा गया है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे चलकर अंदर का सीन जो यहाँ पर। भाई अगर आप लोग आते हैं तो अगर आप यहाँ से आना चाह रहे हैं तुलसी उद्यान में, तो आप जो हनुमानगढ़ी मंदिर है वहाँ से आप आएंगे, और सरजू नदी की तरफ आप अगर जा रहे हैं तो वहाँ से आपको रास्ते में ही बाएं साइड के रास्ते में ही आपको ये मिल जाता है तुलसी उद्यान। तो तुलसी उद्यान यहाँ पर जो तुलसी जी हैं, तुलसीदास जी हैं, जो रामचरितमानस के रचयिता कहा जाता है, बहुत ही एकदम फेमस, भाई आप लोग जान ही रहे हैं, तो वहीं पर उनके प्रतिमा रखी गई। और यहाँ पर शीतलता काफ़ी अच्छी और बहुत ही अच्छा रहता है, शीतल मिलता है। आप यहाँ पर बैठे रहेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ठंडक लग रही है, गर्मियों के दिनों में भी यहाँ पर ठंडक महसूस होती है, थोड़ा शीतलता रहता है यहाँ पर। भाई जो ये लगाया गया है देखिए फव्वारा, ये शाम के समय चलता है, कभी मैं शाम के आऊँगा तो आप लोग को ये पूरी वीडियो बना के दिखा दूँगा जब फव्वारा चलता है कितना अच्छा लगता है। इसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आगे जो तुलसीदास जी का यहाँ पर देखिए प्रतिमा है, आप लोग देख ही रहे हैं, यही प्रतिमा बनाया गया है, कितना अच्छा देखिए बना के रखे हैं भाई, एकदम अद्भुत कलाकारी की गई। अगर आप प्लान बना रहे हैं घूमने के लिए अयोध्या में, तो आप हनुमानगढ़ी भी जाइए, राम पैड़ी भी जाइए, सरजू घाट जाइए और राम जन्मभूमि जाइए, कनक भवन जाइए। उसके बाद फिर अगर आप अपने लिस्ट अपनी डायरी में लिखना चाह रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पर विजिट करें। जो यह है ना तुलसीदास जी का, काफ़ी अच्छा भाई बनाया गया है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर भाई शीतलता, मन को शीतल, और फिर यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है, तो यही भाई सही बात है, यहाँ पर आने से भाई ना एकदम मज़ा आ जाता है। बाकी यहाँ पर देख रहे हो एक गुम्बद ये बना है, एक मंदिर ये बना है, इसके बाद से पूरा जो है क्षेत्र है तुलसी उद्यान के अंतर्गत आता है। तो जो देख ही रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ आगे चलकर इसमें जो बनाया गया। चलिए सीढ़ियों से चल के आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि जो ये अद्भुत नज़ारा है, यहाँ पर देखिए एक मूर्ति यहाँ पर भी है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो बनाई गई है। उसके बाद ये पीछे का सीन कुछ ऐसा है, इसके ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पर हमेशा 24 आवर्स चलती रहती हैं हवाएँ और ठंडक लगती हैं। उसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ पर धर्म रथ है, अगर इसको आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, सुनाओ हरव का कृपा निधान, जय जय होय स्पंदन आना। तो यहाँ पर भी आपका काफ़ी अच्छा दृश्य है तुलसी उद्यान। अयोध्या आएँ तो तुलसी उद्यान एक बार आप ज़रूर आएँ। और जय श्री राम दोस्तों। तो ये देखिए पूरा, देखिए कितना अच्छा दृश्य है तुलसीदास जी का बनाया गया। तो यही सब है भाई। बाकी अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।